ओ अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर जाएंगे तो 1953 में बाबा साहब अम्बेडकर ही पहला व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान को बदलने के लिए नहीं बल्कि इस संविधान को जलाने के लिए राज्यसभा में भाषण दिए थे। वो नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर और यहाँ पर अभी हमने कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। भारत अटल जन शक्ति पार्टी नाम से ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ई रिक्शा वाले जो है मौजूद है, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। देश, काल और पत्र, ये तीन चीज के आधार पर शासन व्यवस्था और संविधान का निर्धारण होता है और उसमें वर्तमान में देश किस ओर जा रहा है, काल क्या कह रहा है, पात्र किस प्रकार का है, इन सारे के आधार पर जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं बनूंगा बनेंगे बिल्कुल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी क्यों बनाएंगे, मैं अपने क्वालिटी से बनूंगा, अपने ताकत से क्यों मनुष्य कैसे बनता है राष्ट्रपति, कैसे बनता है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मेजोरिटी लेंगे, जीतेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो सिस्टम है, नामांकन देंगे, जुलाई में नामांकन देंगे, 100 विधायक प्रक्रिया में, यही मैं भारत का नागरिक हूँ, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हूँ, 110 विधायक का जुगाड़ कर लिया हूँ, 100 विधायक की भी जरूरत पड़ती है, संविधान में। आप लोग जो है ना, मेरे ख्याल से आप लोग पत्रकार के लायक नहीं है और आपको जवाब पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। अगर आप पत्रकार के रूप में एक बेहतरीन पत्रकारिता करना चाहते हैं तो प्रश्न का जवाब दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन यदि आप बेबहल्दी को अभ्यस्त करेंगे तो उसका कोई जवाब सवाल नहीं देंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनेंगे मनुष्य मृत्यु के, अभी तो हम संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, पार्लियामेंट के मंत्रिमंडल के सारे के राय से और फिर इसमें बेहतरीन बदलाव करूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव करूंगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए बॉडी का, जी हाँ देख लीजिए बढ़िया से साथियों देखना, और बम बम महाराज नौटिया नाम प्लस कर दो, बम बम महाराज नौटिया राष्ट्रीय प्रभारी अटल जल शक्ति पार्टी, और आपके सामने मन से घोषणा करता है जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का नामांकन पर्चा भरते ही और नामांकन एक्सेप्ट करने के बाद राष्ट्रपति बनूंगा। अभी कितना पैसा दिए भीड़ खड़ा करने, किसको आपने दिए पैसे, यहाँ ना यहाँ सारे अपने पैसे से आए हैं, जितने लोग आए हैं ना सब अपने पैसे से आए हैं, अपने किराया भरा से आए हैं, ये बोतल पानी भी इन्होंने मुझे पिलाया है, ये बोतल पानी भी इनका मैं पिया हूँ, मैंने नहीं पिलाया हूँ। लेकिन आप जो राष्ट्रपति बनने की बात कर रहे हैं, ये आजादी भी आपको संविधान देता है, ऐसा है जो अभी शासन व्यवस्था है, अभी हम जिस संविधान में जी रहे हैं अभी हम उसको मानेंगे और मान रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग चिल्ला चिल्ला कर संविधान और मनुष्य स्मृति को, बात संविधान की करते हैं पर मनुष्य स्मृति को लाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से सारी भीड़ जो है जुट गई है। अभी आप कह रहे थे क्या हो गया, क्यों खड़ा क्यों रहे, हम अपनी जरूरतों के लिए आए कार्यकर्ता हो, नहीं कार्यकर्ता नहीं हो, हम अपनी जरूरतों के लिए आए। क्या काम करते हैं आप लोग, क्या काम करते हैं आप, ई रिक्शा चलाते हैं, काम धंधा छोड़ के यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे अपनी मांग के लिए आए, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है आपकी, पुलिस वालों से ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आप लोग, गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ने में गाड़ी थाने में ले जाते हैं, 2,000 3,000 5,000 दे के छोड़ के लेके आते हैं। ये संतरी झंडा है, भगवा झंडा क्यों लेके खड़े, क्यों ले रखा है, कुछ साथ देने के लिए रखा है, क्या साथ देने के लिए, जो मांग पूरी पुलिस से बात करना चाहते हैं पर
कोई तो है जो हमारी मांगे पूरी करने के लिए खड़ा है आगे? आज तक बताओ कौन सा मीडिया? आप सारे रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वाले छोड़ के काम धंधा आप लोग यहाँ बैठे हैं, किस लिए भाई? मांगे पूरी करवाने के लिए आए। कौन सी मांगे? जो ये पुलिस वाले ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले गाड़ी पकड़ के लेके जाते हैं बंद करते हैं 2,000, 3,000, 5,000 लेके छोड़ देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है क्या? हमारे पास पैसे नहीं, हम किसी के पैसे पे आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ पे? पैसा मिला इसीलिए आए हैं। कौन कह रहा पैसा मिला हुआ है? कौन मीडिया के पैसे मिला हुआ है? किसी पार्टी का कार्यकर्ता है कोई तो बताओ, कौन पैसा दिया है पहले बताए तो सही। जाने के लिए आए हम लोग यहाँ पे। कार्यकर्ता है क्या किसी पार्टी के? पैसे दिए 500 में बिके हुए 500 रुपए में बिके हुए क्या? हमें पैसे दे कोई ना रबकी नगर से, आपने पैसे दे क्यों? हमारे जेब में पैसे नहीं है क्या? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं, पैसा कमा ले रहे हैं। तो कमाते हैं रोज की, हर महीने का 30,000 कमा रहे। अभी अभी जो दिहाड़ी मारी जा रही है वो क्या करेंगे? अभी दिहाड़ी मारी जा रही है आप लोग? जो आम आदमी सरकार जो हम लोगों से जीता है, 4,000, 5,000 चलाने वाले से, और वो हम लोग ठीक है अपनी मांग लेके बैठे, मांग लेके बैठे, पर ये झंडे का क्या काम है? कौन खड़ा है आपको बताइए? केजरीवाल है या बीजेपी है, कोई भी है, कांग्रेस पार्टी कोई भी खड़ा हो रहा है ई रिक्शे वालों के साथ? तो सिर्फ भगवा झंडा क्यों लेके खड़े आप? भगवा झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई तो सामने खड़ा है ना, कोई सामने तो खड़ा है ना, कोई साथ में तो खड़ा है। संस्कार ये झंडा ही बताता है उसका आवाज भाई साहब, संस्कार क्या झंडा बताता है? ये सरकार आप रेलवे में जाते हैं वहाँ पे भी तो झंडे होते हैं, कोई नहीं सुनता। पर अटल जनशक्ति पार्टी लिखा हुआ है, रिक्शा वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, सामने दिखाइए जरा, सामने खड़े हुए हमारे साथ ये लोग खड़े हुए हैं आप लोगों के साथ? कोई अच्छा कोई कौन सी पार्टी आपका साथ दे रही है? पार्टी कोई भी पार्टी साथ नहीं दे रही है, कोई पार्टी साथ नहीं दे रही है, इसलिए ये हमारा साथ करे हैं। इसलिए असली बात ये है, अटल जनशक्ति पार्टी इनको साथ दिया। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए ना, और हमारे को इन्होंने कोई इतना ऊंचाई पे चढ़ के बात करेंगे? क्या नाम है आपका? बम बम महाराज नौटिया मेरा नाम हुआ। अटल जनशक्ति पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, ये आम जनता है, आम पब्लिक है, दिल्ली में रहती है, दिल्ली में हमारा पार्टी का एक्टिविटीज है, हम इनकी समस्या के साथ अटल जनशक्ति पार्टी है, इनके साथ हम हैं, ये हमारे साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं, और यही हमारा संबंध है, काम का संबंध है हमारा। आज इसका काम नहीं करेंगे कल मेरे साथ नहीं रहेंगे, आज इनका काम कर रहे हैं, इनको लगता है मेरे साथ आने का अपने क्रिया भरा। अभी आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, खड़े हुए रिक्शे वालों की मांग लेकर, क्या होगा राष्ट्रपति का उससे इसका क्या रिलेशन है? ये जो आपको आजादी दे रहा है वो तो संविधान दे रहा है, आप कह रहे संविधान, अभी तो हम संविधान से चलेंगे, उसके बाद क्या मनुस्मृति से चलेंगे? ऐसा है, आपकी बात जो है ना ये आपकी प्रश्न है मनुस्मृति, हमारा प्रश्न नहीं, हमारी पर्सनल मनुस्मृति है, ये आपका प्रश्न है मनुस्मृति, हमारा प्रश्न नहीं है। अभी आप कह रहे थे ना, प्रश्न ये है संविधान में सैकड़ों बदलाव हुए हैं, और जो उचित बदलाव और होंगे वो हम राष्ट्रपति बनने के बाद करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि संविधान में बदलाव करेंगे, हाँ करेंगे, क्योंकि संविधान में प्रावधान है, संविधान ही आपको जो है ये देता है, प्रावधान है, ये आजादी संविधान ही दे रहा है कि आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। हाँ, संविधान ही ये आजादी दे रहा है, संविधान को बदलने की आप बात, संविधान में ही ये प्रावधान है बदलने की, जो गलत चीज होगा बदला जाएगा, सही चीज होगा। संविधान इतने सालों से मतलब गलत हुआ, अब आप लोगों से गलत हो गया। आप ओ अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर जाएंगे, 1953 में बाबा साहब अम्बेडकर ही पहला व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान को बदलने के लिए नहीं बल्कि इस संविधान को जलाने के लिए राज्यसभा में भाषण दिए थे, वो रिकॉर्ड जलाने के लिए दिए थे, बाबा साहब का रिकॉर्ड आप देखिए जाके, आप बड़े रिकॉर्ड देख लेते हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड राज्यसभा 1953 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले भाषण दिया है, उस भाषण को कोट कीजिए। मेन बात यह है हम तो इतना जानते हैं, जब इस संविधान को 50 में लागू किया गया, 50 में लागू करने के बाद आज 2022 तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और ये संवैधानिक रास्ता है, और मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं भी संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से, और जो कमियां इस संविधान में है उसको वो उस वक्त बताएंगे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे क्या? उनसे संतुष्टि नहीं है? मोदी जी से मैं असंतुष्ट का, संविधान को मोदी जी से क्या मतलब हो गया?
अभी आप राष्ट्रपति अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, मोदी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जो आज तक हुए हैं इस देश में, वो सही राष्ट्रपति का फर्ज अदा नहीं किया है। उन्होंने कोई दिक्कत क्या आ रही है उनसे, आपको दिक्कत क्या आ रही है? उन्होंने सीधा सीधा बोलिए, जातिवाद फैला रहे, सही काम नहीं किया, जाति आपको खल रही है। किस चीज का जाति खल रही है? जाति खल रही है। आप बोल रहे हैं हमारे लिए कोई जाति नहीं है, हमारे लिए सभी भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं और आदरणीय हैं, और उसको मैं स्नेह के साथ हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 150 करोड़ भारतीय हमारे सीने में लगे हुए हैं और हृदय से उसका अभिनंदन करता हूं, हमेशा करता हूं, इबादत करता हूं। हम अपने भारत के नागरिकों के साथ कभी भी दुराग्रह नहीं रखते, लेकिन आप लोग जो मीडिया वाले हैं, ये बिल्कुल ही इस देश के विपरीत, इस संविधान के विपरीत, भारत के 150 करोड़ नागरिक के विपरीत काम कर रहे हैं। जो मीडिया वाले गलत करते हैं, मीडिया को यहाँ बदलो करना चाहिए, मीडिया को खुद को मंथन करना चाहिए, मीडिया को खुद में सुधार करना चाहिए। क्या सुधार? मीडिया मंथन करे, वो आपका काम है, आप मंथन करो, वो मैं मंथन करूं। आप अपना काम कर रहे हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया पे क्या बोलेंगे? समय आ रहा है मीडिया पर, इसी मंच पर बोलूंगा, इसी मंच पर तो मीडिया पर बोलूंगा, आज नहीं, मंच पे ही तो बोल रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम दे के सिर्फ मीडिया के ऊपर बोलूंगा। तो क्या बोल रहे हैं अभी? आज प्रोग्राम दे रहा हूँ। मीडिया, कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? टोटल मीडिया, एक आप नहीं, सभी मीडिया, चतुर्थ स्तंभ जो भारत के हैं, ये चतुर्थ स्तंभ पूर्ण बिल्कुल ही, मतलब अपने कर्म को, अपने फर्ज को अदा नहीं किया है, ये नकारा साबित है। और इस बात पर, इसी जंतर मंतर पर प्रोग्राम रख के मैं कार्यक्रम करूंगा, वहाँ जवाब सवाल करूंगा। अभी कुछ नहीं बताएंगे, बस अभी जितना कह दिया उसको दिखाइए। अभी अरे बता दो अभी हमने इन्हीं लोगों से जाना किस तरीके से ये लोग मनुस्मृति और संविधान दोनों को एक साथ लाने की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए भी जो है ये बात करते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा था कि रिक्शा वाले जो है वो बैठे हुए इनके जब्त कर लेते हैं रिक्शा और इनसे 500-200 वसूलते हैं, मगर यहाँ पर अभी जब जाना तो रिक्शे वालों की बात तो कम पर मनुस्मृति की बात ज्यादा हो रही थी और संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उनको बदलने की बात की जा रही है। तो अभी इन लोगों से जाना और ऐसी ही पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहिए जनता आवाज़, नई दिल्ली।